सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश में विदेशी किस्मों के फलदार पौधे नहीं उगाए जाएंगे। हिमाचल में इन पौधों के अच्छे परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार ने विदेशी किस्मों के फलदार पौधों का आयात बंद करने का फैसला लिया है। ये केवल प्रदेश के लिए ही अच्छी पैदावार देने वाले फलदार पौधे विकसित किए जाएंगे। धर्मशाला में उन्होंने कहा कि सेब के पौधे इटली और फ्रांस से आयात किए गए थे, लेकिन इनके परिणाम बढ़िया नहीं निकल सके। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार का नाम लिए बिना उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में विकास सिर्फ शिमला जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों का किया है, बाकी 63 विधानसभा क्षेत्रों को तो वे भूल गए थे। बागवानी मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को बने सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं, बावजूद इसके सरकार ने अनेकों स्कीमें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की 1,134 करोड़ रुपए की एक योजना और 1,688 करोड़ की दूसरी योजना भारत सरकार को भी भेजी गई है। उसकी हिमाचल प्रदेश का, निचले हिमाचल प्रदेश का बागवानी मंत्री शायद मेरे से पहले जितने भी बागवानी मंत्री बने ऊपर के मंत्री थे, और ऊपर भी अगर बागवानी के क्षेत्र में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें केवल मात्र 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र आते हैं, चौपाल, जुबलकोट खाई, रोडू, रामपुर एंड ठियोक, 5 चुनाव क्षेत्र। बागवानी सेंट्रलाइज हो गई 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र, 63 विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो बागवानी से छुटे हो गए। सी स्टोर बनाओ, लेकिन 5 चुनाव क्षेत्र हैं यहां तो लोगों ने जंगल काट करके सेब लगा दिए। हाईकोर्ट के आदेश हुआ वो उन सेबों को काट रहे हैं, वहां तो सेब लगाने के लिए जगह कोई नहीं है। आप इस 1,134 करोड़ को दोबारा वहीं छोड़ना चाहते हैं? ये जो प्रोजेक्ट है निचले, अब यहां से जो खाली पड़ा हिमाचल प्रदेश है इस तरफ आएगा नीचे तरफ आएगा। भाई ये 2013 में नहीं मालूम है, उसमें कुछ पौधे इटली से आए हैं जिसके ऊपर कई क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं, तो उसमें मैंने कहा हम कब तक विदेशों के से पौधों को आयात करते रहे, वहां का जलवायु कुछ और है, वहां की जमीन कुछ और है, वहां से लाने फिर हमने कहीं उनको यहां रखना, फिर हमने पौधे उनको यहां लगाना, क्यों हम अपनी धरती पे अपने पौधे पैदा करें? जो पौधा हमारे इस जलवायु में पैदा होगा, इस एटमोसफेयर में बड़ा होगा, उसको हम यहां लगाएंगे, वो जल्दी से ग्रोथ पकड़ेगा। बाहर का पौधा तो हमें यहां ग्रोथ ही नहीं पकड़ता है, वहां उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी नर्सरी लगाएंगे, अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर सी स्टोर लगाएंगे, कोल्ड स्टोर लगाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, हम यहां पर कुंभ के प्रोजेक्ट लगाएंगे, उस तरफ प्रदेश को ले जा रहे हैं। 3 महीने हुए सरकार को, 3 महीने में तो किसी मंत्री को विभाग का पता ही नहीं चलता, लेकिन हमने तो इतनी योजनाएं शुरू कर दी हैं। बागवानी विभाग की 1,134 करोड़ की एक योजना, 1,688 करोड़ की हम दूसरी योजना जो भारत सरकार को भेजने वाले हैं, हमने तैयार है हमारी योजना।